पाकिस्तान पत्रियाकार, मैं अब्दुल शेख सरकार न्यूज में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी हम खड़े हैं नागपुर के मेवा हॉस्पिटल चौक पे, जहाँ पर पुलिस फोर्स की सख्त कार्रवाई चालू है। जो लोग बिना कारण बिना वजह बाहर निकल रहे हैं, वो हर व्यक्ति को रोका जा रहा है, उनसे पूछा जा रहा है कि आप कहाँ जा रहे हो। उनकी गाड़ियों के साथ साथ चेकिंग चालू है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये पूरी पुलिस की टीम यहाँ पर मौजूद है, सभी छोटे ऑफिसर भी यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात है, और बहुत सख्ती के साथ में ये यहाँ पर देखिए यहाँ पर हर गाड़ी को मतलब रोका जा रहा है। जैसा कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी बिना चेकिंग किए यहाँ से मतलब पास नहीं हो सकती। यहाँ पर कड़ा बंदोबस्त है, इतनी लंबी कतार लगी है। अभी हम जो मेवा हॉस्पिटल के सामने जो मेट्रो का स्टेशन बना है, ठीक मेट्रो स्टेशन के नीचे यहाँ पर पूरी एसआईटी से पुलिस की टीम खड़ी है, और यहाँ पर पूरी चेकिंग चालू है। आइए हम जानते हैं यहाँ पर मेवा हॉस्पिटल के सामने जो मेट्रो स्टेशन है, हम ठीक उसके नीचे खड़े हैं नागपुर में, और यहाँ पर दोनों तरफ से चेकिंग की कार्रवाई बहुत सख्ती से चालू है। जय हिंद, नमस्कार। सर, तत्काल न्यूज में मैं शेख आपका स्वागत करता हूँ। सर, यहाँ पर जो पुलिस की जो टीम खड़ी है, यहाँ पर बहुत सख्ती के साथ में यहाँ पर जो समझा चेकिंग चालू है सर। तो ये चेकिंग सर मतलब गाड़ियों की मतलब कागजात की चेकिंग है, या लोग यहाँ पर इसका मतलब जो 144 का पालन नहीं कर रहे, बिना वजह जो घूम रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर भी क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं? यहाँ पर हम नाकाबंदी के दरमियान जो लोग बिना वजह घूम रहे हैं, उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ सर, और जो झूठ कारण बता रहे हैं, हॉस्पिटल का, मेडिकल का, एसेंशियल सर्विस फूड लाने के लिए, हाँ सर, जो लोग कारण बताते हैं, तो वो कारण हम वेरीफाई करते हैं। हाँ सर, अगर हमें लगता है कि वो सही में हॉस्पिटल जाते हैं, तो उसके पेपर हम चेक करते हैं। हाँ सर, और पेपर चेक करने के बाद हमें लगा वो हॉस्पिटल जाना है, तो हम छोड़ देते हैं। हाँ सर, और जो बिना मास्क बिना हेलमेट घूम रहे हैं लोग नागपुर शहर में, उनके ऊपर हम उचित कार्रवाई कर रहे हैं। तो इसमें सर क्या आपको जनता का सहयोग मिल रहा है सर, या परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है आप लोगों को? अभी तक कुछ जनता सहयोग कर रही है, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनसे हमें परेशानियां भी होती है। हाँ सर, तो पुलिस का काम है दोनों परिस्थितियों को फेस करने का। हाँ सर, तो हम हमारे तरफ से 100% योगदान दे रहे हैं। हाँ, और नागपुर शहर में हम ये अच्छे काम करने के लिए हम यहाँ पर नाकाबंदी के लिए डीपी साहब के आदेश से, हाँ सर, नाकाबंदी के दरमियान, हाँ सर, हम कड़क और उचित कार्रवाई कर रहे हैं। हाँ, तो ये कार्रवाई सर मतलब ये जो चेकिंग है, जो समझा पूरे नागपुर के अंदर जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, बराबर, तो ये कार्रवाई अगर से पब्लिक का पालन नहीं करती, तो ये कार्रवाई और सख्त होने के चांसेस है। क्योंकि जो गवर्नमेंट, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट जो है, हाँ सर, अभी तक कोरोना नागपुर में 3 नंबर पर है, पूरे महाराष्ट्र में कोरोना बहुत बढ़ रहा है। हाँ सर, अपने महाराष्ट्र के सीएम साहब ने ऐसा बोला है कि अगर कोरोना इससे ज्यादा बढ़ता है, हाँ सर, तो अपन उसके ऊपर और लॉकडाउन कड़क करने का गवर्नमेंट सोच रही है। जी सर, और उससे लॉकडाउन के नियम और कड़क होने के बाद इससे और ज्यादा लॉकडाउन करेंगे। हाँ और नाकाबंदी ठीक हो जाएंगी। हाँ, और एसेंशियल सर्विस जो भी है, मेडिकल, हाँ, उसे चालू रखेंगे। बाकी के जो फ्रूट्स वगैरह है, हाँ, उसके ऊपर अपन जो गवर्नमेंट और कंडीशन लगाती है, हाँ सर, वो कंडीशन के बदौलत वैसा काम करेगी। हाँ, जैसा कि सर हम देख रहे हैं कि हम अभी पूरे नागपुर में मतलब हमारा टीम का सर्वे चालू है सर, तो इतनी कड़क धूप के अंदर आप पुलिस प्रशासन, पुलिस के जवान, जैसा कि पिछले बार भी महामारी में सर दो ही योद्धा ऐसे सामने आए थे दुनिया के, एक डॉक्टर योद्धा के रूप में साबित हुआ सामने, और दूसरा पुलिस प्रशासन, पुलिस फोर्स जो है कि कोरोना के अंदर एक योद्धा बनकर एक डटे रहे, अपने परिवार को वो मतलब छोड़ के इस कड़क की धूप में जो यहाँ पर आप ड्यूटी दे रहे हैं सर, तो ये ड्यूटी दे रहे हैं आप, तो आप पब्लिक के फायदे के लिए, पब्लिक के भले के लिए दे रहे हैं, तो फिर भी आपकी इतनी मुस्तैदी के बाद में भी लोग इधर उधर से मतलब बहुत जगह से मतलब परेशानियां सामने आ रही दिख रहे हैं, लोग घूम ही रहे हैं आज भी, तो पब्लिक के दिल में मतलब डर और खौफ कम रहा। महामारी बहुत हद से ज्यादा फैल चुकी है, हमारे हाथ में, हमारे काबू में नहीं है, डॉक्टर के काबू में नहीं है। तो सर ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो मतलब बिना वजह बिना कारण मतलब बाहर घूम रहे हैं, गाइडलाइन का फॉलो नहीं कर रहे सर? मैं नागपुर शहर पुलिस वासियों की तरफ से नागपुर शहर लोगों को एक विनंती करता हूँ कि बिना वजह घर से बाहर मत निकलिए,
रही है, कोरोना नागपुर में बहुत बढ़ चुका है। अगर इसके अपन उल्लंघन करेंगे तो नागपुर शहर में बहुत बड़ी महामारी रूप ले सकती है और इससे बहुत बड़ी लोगों की जान जा सकती है। ये बहुत बड़ा बीमारी का, ये क्या बोलेंगे आप, एक महामारी, मतलब महामारी सर, बहुत बड़ी महामारी, ये महामारी का विकराल रूप ले सकता है। तो इसके लिए तो ये नागपुर शहरवासी लोगों ने इसमें हमें कोऑपरेट करना चाहिए और काम के लिए ही घर से बाहर निकलना चाहिए और गवर्नमेंट को, पुलिस को, डॉक्टर को, सब जो एसेंशियल सर्विस में आते हैं उन लोगों को सहकार्य करके अपनी खुद की जान बचाना चाहिए और गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद सर। देखिए, ये अभी हम मेवा हॉस्पिटल के सामने आए, ये मेट्रो स्टेशन के दूसरे साइड में आए, जहाँ पर यहाँ पर भी कार्रवाई, मतलब बहुत उचित ढंग से मतलब कार्रवाई शुरू है। अधिकारी ये जो घूम रहे हैं बिना वजह, तो आप इनको अपने पुलिस की तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बिना वजह घूम रहे हैं इस महामारी के दौर में भी? नहीं, अभी देखो कोरोना की इतनी महामारी का तो उसको थोड़ा फॉलो कीजिए, बिना वजह नहीं घूमिए ठीक है। पुलिस के जो नौजवान हैं, हमने इनसे भी इंटरव्यू लिया और इनका भी सख्त यही कहना है कि बिना वजह, बिना कारण के आप बाहर ना घूमें, वरना आपको सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये देखिए किसी को भी बिना चेकिंग के यहाँ पर जाने नहीं दिया जा रहा है। नौ बजे से तो सर, इसके अंदर जो कार्रवाई आप जो कर रहे हैं, सिर्फ गाड़ियों की चेकिंग की कार्रवाई है या लोग, मतलब ये 144 का उल्लंघन कर रहे हैं बिना कारण जो घूम रहे हैं, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई कर रहे हैं आप सर? जो मेडिकल रीजन है या जो अपने को एक्सेप्टेबल रीजन लगता है, हाँ सर, उनको अपन छोड़ रहे हैं, लेकिन जो बिना वजह घूम रहे हैं, हाँ सर, उनके ऊपर अपन उनको चेक कर रहे हैं। हाँ, तो जैसा अभी यहाँ पर मतलब दिख रहा है सर कि यहाँ पर आला अधिकारी भी यहाँ पर सब मौजूद है, तो अभी जैसा हमने इधर सर से पीछे मतलब इंटरव्यू लिया, तो सर ये बताए कि अभी और सख्ती मतलब बढ़ती जाएंगी, ये और सख्ती इससे ज़्यादा मतलब होगी अगर पब्लिक इसके फॉलो नहीं करती है तो? हाँ, अगर फॉलो नहीं करेंगी तो सख्ती तो बढ़ेगी। हाँ, सख्ती बढ़ेगी और मतलब कार्रवाई भी होंगी जो बिना कारण, उनके ऊपर कलम भी मतलब लागू करेंगे आप? अधिकारी Thank you.